बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मिशन एकजुट विपक्ष की कवायद को बड़ा झटका लगा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि वो लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगी, किसी भी विपक्षी पार्टी से टीएमसी गठबंधन नहीं करने जा रही। यानी दीदी ने एकजुट विपक्ष का पहले ही विभाजन कर दिया। विपक्षी एकजुटता की दीदी ने निकाली हवा। नीतीश के मिशन से ममता बनर्जी का किनारा। सुनिए नीतीश जी, दीदी नहीं मानेंगी एकजुट विपक्ष का पंग भंग। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले विपक्षी एकजुटता को बड़ा झटका लगा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि उनकी पार्टी टीएमसी लोकसभा चुनाव अपने दम पर लड़ेगी। सीएम ममता बनर्जी किसी भी दल से गठबंधन से इनकार की हैं। सीएम के इस ऐलान से सबसे ज्यादा झटका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मिशन एकजुटता को लगा है। सीएम नीतीश कुमार पिछले 6 महीने से एकजुट विपक्ष की कवायद में जुटे हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि टीएमसी को विपक्ष से कोई लेना देना नहीं है। दीदी के ऐलान के बाद महागठबंधन के नेता ममता बनर्जी को फिर से सोचने की नसीहत दे रहे हैं। मनाने की बात कही जा रही है। झटका कुछ नहीं, समय बताएगा। अभी बहुत कुछ बातें सामने खुल के आएंगी, इसकी बात नहीं है। सब लोग जो है, जो वर्तमान में दिल्ली सरकार बैठा हुआ है, सब उनके बारे में जानता है, सब उनके विरोध में है, तमाम जनता विरोध में है। 24 का आप इंतजार करिए, बहुत कुछ बदलेगा, बहुत कुछ होगा। ममता बनर्जी को तय करना है कि वो विपक्षी एकता में आएंगी नहीं आएंगी, और ये सवाल उन्हीं से करना उचित ज्यादा होगा, क्योंकि उनके दल का मामला हम नहीं कर सकते। आजकल अकेले चलने का दौर नहीं है, व्यापक जनता की एकता, व्यापक जनता की लोकतांत्रिक जन गुलबंदी और रोटी रोजगार के सवाल, संविधान, लोकतंत्र, न्याय और समानता के सवाल, अमन और भाईचारे के सवाल पर व्यापक जनता, युवाओं की इस देश में गुलबंदी की जरूरत है। देश के शहीदों के आत्मा की पुकार है, संविधान की पुकार है, लोकतंत्र की तकाजा है। ममता बनर्जी के ऐलान से विपक्षी एकजुटता वाले मिशन की अभी से हवा निकलनी शुरू हो गई है। बीजेपी विधायक नीरज सिंह बबलू की दलील है कि विपक्षी एकजुटता संभव नहीं है। विपक्षी खेमे में हर कोई पीएम उम्मीदवार है। 2024 में भी नरेंद्र मोदी एक बार फिर पीएम बनेंगे। देखिए, पूरे देश में कहीं कोई विपक्षी एकता नहीं है। ममता बनर्जी अलग डफली बजा रहे हैं, केजरीवाल जी अलग डफली बजा रहे हैं, सपा वाले अलग डफली बजा रहे हैं, नॉर्थ में अलग डफली बजा रहे हैं। ये कितना भी दिन रात करेंगे ना, कहीं कोई एक होने वाला नहीं है। सब ये मानता है कि बीजेपी पूरे देश में एकत्रित है और बीजेपी पुनः 24 में आएगी। करीब साल भर बाद लोकसभा चुनाव है, लेकिन जिस तरह से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने फैसला लिया है, ये सीएम नीतीश कुमार के मिशन एकजुटता को झकझोर कर रख सकता है। रजनीश और नवजीत की रिपोर्ट, जी मीडिया, पटना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने